माजी। थैंक यू पुत्र। बोले बोला तो है थैंक यू। माजी आपने मुझे रोका किस लिए? तू कहाँ जा रही है पुत्र? मॉल जा रही हूँ। तो पुत्र वहाँ से ना आधा किलो दही लेती आई, मैंने खाना बनाना है। माँ जी मॉल में दही नहीं मिलती। फिर क्या मिलता है? मॉल में कपड़े मिलते हैं माँ जी। हाँ तो फिर मेरे लिए कपड़े ले आना, दही मैं अदील से मंगवा लूंगी। क्या हुआ? महमूद साहब कहाँ हैं? कौन महमूद? आपके मियाँ। ले उनको मरे हुए जमाना हो गया बशीरा। माँ जी मैं आपके दूसरे मियाँ की बात कर रही हूँ, वो कहाँ है? अच्छा वो तो दही लेने गए हैं। क्या? हाँ वो जो ऑरेंज ऑरेंज होता है ना दही, वो। माँ जी अगर वो दही लेने गए हैं तो आप मुझसे क्यों मंगवा रही हैं? ना मैं तो तुमसे कपड़े मंगवा रही हूँ फकीरा। खूबसूरत? हाँ खूबसूरत कपड़े ले आई बिशक। माँ जी मेरा टाइम जाया मत करें, और प्लीज आइंदा मुझे जाते हुए रोकिएगा मत, बुरा शगुन होता है। ओ माँ जी यार खूबसूरत बाहर गई है, मुझे कप चाय तो बना दे। यार माँ जी क्या हो गया आपको? मेरे साथ खेले। बेटा मैं गाना देख रहा हूँ, तुम जाओ सोने के साथ खेलो। आज यार सोने है ही नहीं। सोना सोना इस एपिसोड में नहीं है। आ तो तुम भी जाओ, तुम क्या कर रही हो? जाओ मेरा बेबी, बाय। ओ क्या हुआ माँ जी? पुत्र गोलियां चल रही हैं। किचन में? किचन में नहीं बाहर, आवाज नहीं आ रही तुझे? आपकी आवाज आ रही है माँ जी, बोले। और तुझे गोलियों की आवाजें नहीं आ रही? ओ माँ जी क्या हो गया यार, आप कराची में रह रही हैं, शहर का मामूल है ये। हाय हाय मामूल, मामूल दही लेने गए थे। हाय अल्लाह जी मामूल को गोली ना लग जाए। कौन मामूल माँ जी? और मेरे मियाँ मामूल, और कौन? ओ माँ जी वो मामूल नहीं मामूली हैं, बल्कि बहुत ही मामूली हैं। उनको कोई गोली क्यों मारेगा? पुत्र मुझे बड़ा डर लग रहा है, तुम जाके देखना शाबाश। ओ माँ जी दवा कराए यार, अगर आपकी किस्मत बहुत ही बुरी हुई तो महमूद साहब जिंदा वापस आ जाएंगे। ओ ये किसका फोन आ गया? अरे जानू मीडियम साइज की टी शर्ट लाना, मुझे बहुत लंबी टी शर्ट पसंद नहीं है, तुम जानती हो। शट अप नबील, यहाँ इतनी फायरिंग हो रही है और तुमने अपनी शर्ट्स की पड़ी है। मॉल में फायरिंग हो रही है जानू। ओए खबरदार, जो मेरे कपड़ों में सुराख होया मैं वापस करा दूंगी। ओ जानू तुम फायरिंग की बिल्कुल परवाह ना करो, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ जानू, आ जाओ ना। नबील तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब तक हालात ठीक नहीं होंगे मैं घर नहीं आ सकती, मॉल के अंदर जा रही हूँ। जानू नबील यहाँ पे फोन के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे, तुम चांदी का ख्याल रखना ओके बाय। कैसी बीवी हो तुम, अपने मियाँ की खातिर जरा सी जान पे नहीं खेल सकती? जानू हेलो जानू, क्या हुआ? इसको गोली लग गई है। ओ नहीं माँ जी फोन बंद हो गया यार। हाय फोन तो मकसूद का भी बंद आ रहा था, पता नहीं कितनी गोलियां लगी होंगी उनको। अबे सर नीचे कर देख के चल। अरे खूबसूरत तुम। हाय चरकी बुड्ढे, इतने खराब हालात में भी लौंडियों को छेड़ता है तू, हट यहाँ से। अरे कहाँ जा रही हो खूबसूरत, गोलियाँ चल रही हैं भाई। तो और किधर जाऊँ मैं? अरे मेरे साथ चलो। तूने क्या बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है? अरे तुम चलो ना मेरे साथ। अरे हाँ छोड़ मेरा मेले बुड्ढे चरकी। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, खूबसूरत हालात देखो, आओ जल्दी। पता नहीं मेरा मियाँ कहाँ रह गया, किधर है तू? मामा, अल्लाह जी मेरा हाथ छोड़, मैं बोल रही हूँ वरना अपने भाइयों को बुला लूंगी मैं। अरे तुम तो चुप करो, ये आप किसे लेकर आ गए? अरे ये खूबसूरत है मामा। हाँ तो खूबसूरत हूँ तो क्या जबरदस्ती मेरी को अगवा करके ले आएगा? शाबाश है, आप फजीला को अगवा करके लाए। अरे मेरा नाम फजीला नहीं है, शकीला है शकीला। अरे तुम खूबसूरत हो यार, कुछ तो शर्म कर बुड्ढे, तेरी बेटी के बराबर हूँ मैं। अरे ये क्या बोल रही है मोमो? मेरे को क्या पता है? ओए, ओए! क्या हुआ मोमो, गोली तो नहीं लगी? नहीं घास लगी है बड़ी बुरी तरह। ओ, जानू जानू आखिर तुम्हें मेरी मोहब्बत खींच के ले ही आई जानू। अरे क्या इस घर में सारे दो नंबर लोग रहते हैं, वो बुड्ढा मेरे को यहाँ ले आया और तू मेरे को जानू जानू बोल रहा है। ये तुम बोल कैसे रही हो जानू? अरे ऐसी ही बोलूंगी मैं, हंगामे का फायदा उठा रहे हो। जानू तुम्हें सर पर चोट लगी है? जानू ना बोल रही हो मेरे को, मेरे भाई बॉडी बिल्डर हैं। जानू लग रहा है तुम सदमे में हो, चलो कमरे में चल के आराम करो। चलो अरे अरे छोड़ देना, छोड़ मुझे। अबे मुझसे पकड़े, भाग रही है। किसके साथ भाग रही है तू है? अरे छोड़ मेरे को ढकी। अरे यार इसको क्या हो गया नवीन, ये हमें पहचान क्यों नहीं रही है? ओ यार महमूद साहब ये तो मुझे भी नहीं पहचान रही। तेरे को तो मैं अच्छी तरह पहचान गई हूँ। हाँ बहुत ही मेला और छिछोरा है तू। पुत्र मुझे लगता है इसके मथे पे ना गोली लगी है, देख निशान कैसा है।
नबील मुझे लगता है खूबसूरत की ना याददाश्त चली गई है। नहीं नहीं नहीं, ओ तू फिक्र ना कर अली ताहिर, मैं इसके सर पे ना डंडा मारती हूँ। नहीं छोड़ मेरे को, छोड़ 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 यार महमूद साहब, क्या हो गया मेरी बीवी को? क्या लाखड़ा काखड़ा हो गया है? चाहिल औरतों की तरह बात कर रही है। हाँ तो पुत्र, अब तेरे जोड़ की लग रही है ना। हाँ जी। नबील खूबसूरत के सर पे चोट लगी है, तभी वो बहकी बहकी बातें कर रही है। चोट कैसे लग गई यार उसे? हो सकता है जब वहाँ गोली चल रही हो तो अंधाधुन भागी हो और भागने के साथ ही किसी खंभे से टकरा गई हो, खंभे से टकरा के किसी गाड़ी पे गिरी हो और गाड़ी से टकरा के तो फुटपाथ पे गिरी हो, फुटपाथ पे पहले ही एक गोली रखी हो जो उसके सीधे सर में ठका लगी हो जाके है और उसकी याद चली गई हो। यार महमूद साहब, आपको खूबसूरत मिली कहाँ? अरे नबील, मैं दही लेने गया था यार, वहाँ गोलियाँ चल गई, मैं भागा, एक लड़की से टकराया, जब मैंने उसे गौर से देखा तो वो खूबसूरत थी, मैं उसे पकड़ के घर ले आया। यार वो कपड़े तो दूसरे पहन के गई थी सुबह। अरे हो सकता है नबील, मॉल में उसने ट्राई रूम में कोई दूसरे कपड़े ट्राई किए हो और फायरिंग हुई हो तो खूबसूरत उन्हीं कपड़ों में भाग गई हो। तो यार महमूद साहब, ट्राई रूम में गोलियाँ कैसे चल सकती है यार? कराची है भाई कराची, कहीं भी गोलियाँ चल सकती है, हो सकता है अभी यहाँ चलनी शुरू हो जाए। मुसा, मैं अपनी बीवी की ये हालत नहीं देख सकता, मैं उसे याद कराने की कोशिश करता हूँ। जा पुत्र जा, उसे याद दिला कि रात का खाना उसने बनाना है। वो जो रात को उसने बनाना है वो खाना है? खाना तो मैंने, उसने तो सिर्फ बनाना है। जाओ नबील ट्राई करो। ट्राई रूम किधर है? अरे बाबा उधर अंदर है। ओहो जा रहा हूँ यार। किसने कहा था शकीला तुझे इन हालात में डेट मारने को? देखो भाई, लाहौल वाला कुंवर, जाने दे मुझे, मेरे अब्बा परेशान हो रहे होंगे। क्या कर रही हो जानू? क्यों भाई बोलकर निकाह तोड़ना है तुमने? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, शौहर हस्बैंड। सिटी आ गया है क्या? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है और इतनी उम्र देख, मेरे अब्बा से थोड़ा ही छोटा होगा तू। जानू गौर से देखो, मैं नबील हूँ, नबील शट अप वाला नबील। मेरे पास ना आइयो वरना कुछ उठा के मार दूंगी तेरे को। तुम मुझे नहीं मार सकते खूबसूरत, जानू जानू जी। और क्या हुआ पुत्र, उसकी वो वापस आ गई है? नहीं माँ जी, मैंने उसे याद कराने की बड़ी कोशिश की है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। अब क्या होगा नबील? मौसा मेरी तो सारी दुनिया खत्म हो गई यार, अब मैं टाइम पास कैसे करूँगा? और तू फिक्र ना कर दील, मैं उसे अभी जाके याद दिलाती हूँ। अरे तुम्हें तो खुद कुछ याद नहीं रहता, तुम उसे क्या याद दिलाओगी? अरे मैं उसे जाके याद दिलाता हूँ, देखना कैसे उसकी याददाश्त वापस आती है। अरे मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है वो, क्यों आया? माँ जी दुआ करे वापस आ जाए मेरा मियाँ। और नहीं माँ जी, मेरी बीवी की याददाश्त यार। पुत्र महफूज तेरी बीवी को मार क्यों रहे? ओ माँ जी मार नहीं रहे, पिट रहे हैं, पिट। छोड़ो मुझे, जान से मार दूंगी मैं सब जिन्हों को। ओ माँ जी, ये आपके शौहर हैं? ओए मैंने इतने बदशकल आदमी से शादी कर ली भी है। आपने बड़ी देर में सोचा माँ जी? मैं बहुत साहब। नबील ये तुम्हारी बीवी खूबसूरत ना पागल हो गई है, इसने मुझे ऐसी ऐसी जगह पे मारा मैं दिखा भी नहीं सकता, इसको फौरन किसी डॉक्टर को दिखाओ। इन हालात में कौन आएगा महमूद साहब? अरे शाहिद 612 को बुला लो, वो आजकल फारिग ही फिर रहा है। हाँ ये ठीक है। हेलो डॉक्टर, सेट पे आजा, चार पांच सीन है, आजा। ओके बाय। जय महमूद साहब, अपना हुलिया ठीक करें यार, जय। माँ जी इनके बाल बनाए जरा अच्छे तरीके से, इनके बाल बनाइएगा। कौन है यार इन हालात में भी? ये मोहल्ले के बच्चे शरारतें करने से बाज नहीं आते, बैल बजा के भाग जाते हैं। ओ भाई बच्चों ने बताई, मैंने बताई है। अरे डॉक्टर साहब आप नीचे क्या कर रहे हैं? तो भाई आप सुन नहीं रहे, गोलियां चल रही है, गोलियां, आप वो भी नीचे कर जाते। अच्छा ये बताइए आपने इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? डॉक्टर साहब मेरी बीवी मुझे पहचान नहीं रही। आपकी बीवी भी आपको नहीं पहचान रही? इसकी बी का क्या मतलब है? अरे मेरी बीवी भी तो मुझे नहीं पहचानती। क्या? हाँ भाई मैं हर वक्त की हाल में तो पहने रखता हूँ,
लेकिन आपने तो कोई हेलमेट नहीं पहना, फिर आपकी बीवी आपको क्यों नहीं पहचान रही? अरे उसकी याददाश्त चली गई है। कहाँ चली गई भाई? अरे हमें क्या पता यार। अरे आपने पूछा नहीं क्या? यही कि उसकी याददाश्त कहाँ चली गई? अच्छा कब तक आएगी जल्दी बता दे, मुझे और भी मरीज देखने। यार नबील तुमने पागलों का डॉक्टर बुलाया या पागल डॉक्टर बुलाया है? ओ डॉक्टर साहब मरीज अंदर है, अंदर आए, अंदर आए। ओके 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 नबील, मैं तो कहता हूँ पहले इस डॉक्टर को किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। ओ माँ जी ये सरकटा नहीं है, डॉक्टर है डॉक्टर। तो इसका मुंह कहाँ है? अरे इसका मुंह अंदर है। तो यहाँ पर ये अपना मुंह लेने आए? ओ नहीं माँ जी, इनका मुंह हेलमेट के अंदर है। ओ यार डॉक्टर साहब उतारे ना यार अपना मुंह। ओ नहीं यार हेलमेट उतारे, खुदा का वास्ता आपको यार। ये आपका मुंह है जी, इससे तो अच्छा था आप हेलमेट ही पहने रहते। लगता है इनकी याददाश्त गई है। अरे इनकी याददाश्त तो कभी आई नहीं थी, जाएगी कैसे? ओ भाई तो फिर किसकी याददाश्त गई है? मेरी बीवी की डॉक्टर साहब। आपकी बीवी कहाँ है? बेडरूम में। ठीक है तो फिर मैं बेडरूम में चला जाता हूँ। ओ भाई इधर ही रहे आप। ओ माँ जी आप जाए खूबसूरत को पकड़ के लाए अंदर से। अच्छा ओ माँ जी डॉक्टर है। आपकी फिटफिटी कहाँ है? ओ भाई मैं डॉक्टर हूँ, दूध वाला नहीं हूँ, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मैं रक्षा में आया हूँ। ये हेलमेट पहन के? हाँ जी। ओ माँ जी आप नहीं पकड़ के लाई, उसे वो आपको पकड़ के लाई है। आ? अच्छा तो मरीजा ये है? चुप है, मैंने ये मरीज है जी। नहीं उन्होंने आपको पकड़ा हुआ है। अरे तो उससे क्या होता है यार? भाई देखिए उन्होंने इन्हें पकड़ा हुआ है, और जिसे पकड़ा होता है मरीज भी वही होता है, मेरा बरसों का तजुर्बा है। यार ये क्या चीज है? ओ एक सेकंड यार, ये अब ठीक है? छोड़ मेरे को गल्लू, चमाट मारूंगी तुझे। खबरदार जानू तूने मुझे गाला क्यों खाया। मैं तुझे गाली भी दे सकती थी लेकिन बच्चे देख रहे हैं ना, इससे रियाज कर लिया तेरा। छोड़ मेरे को। नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ तू। नहीं छोड़ूंगी। ओए चुप कर सब लोग। अरे भाई आपको भाग नहीं सकता है, मैं तो सिर्फ मरीजा से बात कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब आपके पास ये पिस्तौल कहाँ से आई? भाई मेरे हालात ऐसे रखनी पड़ती है, कोई होशियारी नहीं करेगा। डॉक्टर साहब गोली मार दे, गोली मार दे। नहीं गोली लगने से याददाश्त गई है ना, तो हो सकता है दूसरी गोली लगने से याददाश्त आ जाए वापस। डॉक्टर ये सारे जने ना झूठ बोल रहे हैं, मेरी याददाश्त बिल्कुल सेट है। क्या? हाँ ना ये बुड्ढा मेरी को जबरदस्तियाँ लेके आए। अरे दिमाग खराब है, मैं तुम्हारा सुसर हूँ। अरे काहे का सुसर, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, मेरी तो सिर्फ मंगनी हुई है, और वो भी कामी केबल वाले से। ये कामी केबल वाला कौन है? अरे हमें क्या पता भाई। जानू ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ नबील। नबील चल दफा हूँ यहाँ से। डॉक्टर साहब ये सब झूठ बोल रहे, मेरे को बचा लो। आप लोग सब बाहर चले, मुझे जरा मरीजों से अकेले में बात करनी है। क्यों मैं? इलाज का नया नैन का। आप लोग चले लॉन में बैठे। मैं मुझसे भाई लॉन में फ्यूचर डिस्कस करते हैं, हो सकता है खूबसूरत कभी भी ठीक ना हो। चलो 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 बाजी तक, इधर बाजी तक। आप धरे धरे नहीं, से धरे नहीं, इधर बैठे आराम से। सब मसला बताइए क्या तक क्या है, कहाँ चली गई आपकी याददाश्त? यार महमूद साहब अब मेरा क्या बनेगा? अरे सबर करो नबील, मैं भी तो तुम्हारी माँ के साथ गुजारा कर ही रहा हूँ ना, तुम भी कर लेना। हाँ पुत्र ये ठीक हो जाएगा, तेरी बीवी और मैं ना सेम टू सेम हो जाएंगे। ओ नहीं माँ जी नहीं, मुझे चांदी की अच्छी परवरिश करने के लिए दूसरी शादी करनी पड़ेगी। हाँ महमूद साहब, क्योंकि खूबसूरत अब कभी ठीक नहीं होगी। डॉक्टर साहब मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मुझे तो लग रही हो भाई। मैं शकीला हूँ, मुझे घर जाने दो। अरे ये तुम्हारा घर है शकीला? अरे नहीं भाई ये मेरा घर नहीं है, वो अंकल मेरे को जबरदस्ती उठा कर लाया है। क्यों तुम्हारा बाप कोई अमीर आदमी है? नहीं तो मेरे अब्बा की तो कुरंगी में किरयानी की दुकान है, और मेरे चार भाई है सारे बॉडी बिल्डर है। हाँ इसका मतलब है कि इन लोगों ने तुम्हें जबरदस्ती बंदी बना के रखा हुआ है। अरे बंदी तो मैं हूँ, ये क्यों बनाएंगे मेरे को, तुम बस मेरे को बचा लो। तुमने पुलिस को फोन क्यों किया? मेरे पास मोबाइल नहीं है ना। क्या ये तो मेरी तरफ से गिफ्ट। इससे पुलिस को फोन करूं? नहीं नहीं इससे तुम मुझे फोन करना, रात में लंबी बातें करेंगे। पहले मेरे को इधर से निकाल तो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कराऊंगा, तुम्हारी इज्जत बचाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तू भी चल ना, डायलॉग क्यों मार रहे? हाँ ये ठीक है।
निकालो मेरे साथ। अरे डॉक्टर साहब, मेरी बीवी की याद तो वापस आ गई। चुपचाप खड़े रहो, अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की ना तो गोली मार दूंगा। आओ सकीरा, मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले चलता हूँ। डॉक्टर, ये मेरी बीवी है। अबे चल, ये शकीला है। शकीला इसके अब्बा की किराने की दुकान है और इसके चार भाई हैं, चारों बॉडी बिल्डर। और तो और, इसकी कामी केबल वाले से मंगनी भी हो चुकी है। कामी केबल वाला? हाँ भाई, मैंने उसको समझाया कि केबल वाले अच्छे लोग नहीं होते, हर वक्त पान खाते रहते। मैंने उसको कहा भाई किसी डॉक्टर से शादी कर लो, अभी थोड़ा तो मान गई है, बाकी शादी के बाद मान जाएगी। चलो शकीला, हम चलते हैं कहीं। चल दफान हो यहाँ से, चल हट। शकीला, शकीला, तूने मेरी बीवी को भगा दिया साले। ओ भाई, तो तुम्हारी बीवी नहीं थी, मेरी प्लानिंग थी। प्लानिंग? मेरी प्लानिंग? मुझे छोड़ दो, मैं गोली चला दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? अरे शकीला, तुम आ गई। मुझे पता था तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, आखिर मोबाइल गिफ्ट किया मैंने। ये क्या बकवास है, नबीली आदमी कौन है? जानू, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। मेरी याददाश्त को क्या हुआ था? नबील, मुझे लगता है कि वो वाकई शकीला थी, खूबसूरत की हम शक्ल। क्या वैश्य? जानू, खबरदार, जो किसी ने शकीला की तरफ आंख लगा के देखा गोली मार दूंगा। चलो शकीला, मैं साथ चलता हूँ। नबील, जानू, जानू, भरो, 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 भरो। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबा।